सो हे गाइस, वेलकम टू द सेलेस्टियल मोड व्लॉग्स एंड आई एम होस्ट सतन तिवारी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे RC 125 जो बेसिक जनरेशन 2 है, इसकी ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आ रही है मेरे चैनल पे, और इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ इसका फाइनल जो एक वीडियो है वो, जो कि है भाई पेंटा बैटल, यानी कि RC 125 बेसिक जनरेशन 2 के साथ पेंटा बैटल। और इसमें कौन कौन सी है, R15S है, पल्सर 150 BS6 है एंड RC 125 BS6 है जनरेशन 1 की, एंड जो MT15 है वो भी BS6 ही है। एंड अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो भाई वो आती है 198 की, MT15 आती है अराउंड समथिंग 198, वो भी सेम प्राइस की मिलती है। पल्सर 150 आपको 160-170 अराउंड समथिंग, R15S आपको मिल जाती है 2 लाख के अंडर में ही। एंड ये बाइक यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी है, यानी कि इसका जो है आपको मिल जाता है प्राइस लखनऊ में 2,15,000। सो यहाँ पर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बन रही है पेंटा बैटल। सो लेट्स गो, देखते हैं कौन सी बाइक निकलने वाली है, किस में सबसे ज़्यादा होने वाला है दम, और यहाँ पर चेक करेंगे सभी बाइक्स की परफॉर्मेंस एक साथ हम। सो और इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं जो इनका मैंने सिंगल कंपैरिजन किया है, तो मेक श्योर आप जाके देख लें, आई बटन में ऊपर सारी वीडियोस फ्लैश हो रही हैं। एंड सुबह सुबह भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फटाक से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, और इंस्टाग्राम पर अपने भाई को फॉलो कर लीजिए सारे अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। सो लेट्स गो। सो भाई अपन चलाएंगे RC 125 BS6 जनरेशन 1, शुभम भाई चलाएंगे MT15 एंड कौशिक चलाएगा पल्सर 150, कुंदन भैया चलाएंगे R15S, और अपने शेडो ब्लॉक्स जो हैं भाई वो चलाएंगे KTM RC 125 जनरेशन 2। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या होने वाला है रिजल्ट्स। परफेक्ट शिफ्ट देना पड़ेगा, मैंने सबको निकलने दिया है जानबूझ के, ये देखिए। ओहो ओहो, मेरे लाल और मेरे पीले, वो देखो पल्सर वाले को, हट तेरी ऐसी तैसी मारो, हम तो निकल ही गए इन लोगों से आगे। ओ भैया, ये दोनों लोग तो आराम से खा जाएंगे MT15 और R15। ओहो भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? ओ मेरे लाल पीले। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ ड्रैग रेस हो रहा है। हम ही लोग को मेहनत करनी पड़ेगी निकलने के लिए। पल्सर पीछे छूट गई, एंटी भाई मजे भी चल रही है। और सब लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग इससे तेज भाग रहे हैं, ये देखिए, ये इनको देखिए लेट गए, ये सबसे मजे ले रहे हैं। चलो मजे लेते हैं, जाओ जाओ जाओ, ये भी गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आरसी जस्ट मेरे पीछे आ रही है। ओ हो हो हो, कुंदन भैया भी आराम से आ रहे हैं भाई, और ये पूरी ताकत लगा रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन क्या R15 से जीत पाएंगे इन लोग? घंटा टक करो टक, क्या क्या टक करो टक। उसको लग रहा है हम लोग मजाक कर रहे हैं ना, हम लोग के पास पावरफुल बाइक है, तो वो भी मजाक करने लगा, इसलिए वो रेस से हट गया। अब इस रेस के पुराने सिकंदर हम लोग हैं। ओ भैया, ओ थो नई वाली RC दुर्राटे काट रही है। ओ थो, वो देखो भैया, वाह, इनको तो भाई पांचवे गियर पे कुंदन भैया, मेरे को यहाँ से दिख गया भाई साहब, घंटा पांचवे गियर में हूँ मैं, पांचवे गियर तक लड़ूंगा मैं इन लोगों से, आखिरी तक लड़ूंगा पांचवे गियर में ही, छठा गियर लगाऊंगा ही नहीं, और लीन भी नहीं होऊंगा। ये देखो इन लोग का समझाओ। वाह, MT और R15 तो भाई साहब प्यार से जा रही है। पल्सर 150 भाई पीछे से नामो निशान नहीं है। अब हम MT को हरा दें।
टाइम इज द विनर। ओ लिमिटर यार सब आरसी अगेन नहीं पीछे रह गई। आर्मन 5 से कोई जीत नहीं सकता। जीतती हुई नजर आ रही है। अगर स्लिप स्ट्रीमिंग करते तो शायद से कुछ काम बन पाता, शायद से वो भी बीच में एक बार शायद से क्रॉस कर पाते, वरना वो भी नहीं आई थिंक, क्योंकि इसका लिमिटर बीच में आ चुका था। सो भाई राइडर स्विच कर लिए हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है रिजल्ट। दो भाई साहब इसके गियर्स ओम फो कमजोर बाइक में हम लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई अरे भाई यार अरे क्या ही बात है। एटलीस्ट आरसी को तो हरा देना पल्सर 155 सीसी है भाई। इसके गियर बहुत ज्यादा फंस रहे भाई लिटरली। शुभम यदुवंशी पुरानी वाली में है जो कि तेज है नई वाली से। अरे निशांत कहाँ जा रहा था यार कितने गुस्से में था निशांत, मार बिली बिली मारे दे रहा है एकदम। भैया बहुत जोर में लग रहे हमको निशान भाई, क्या ही बोले तुमको। अब हम ये देखो आर्मन पब्लिक के जमा रहे हमसे। अपना लोग हरामी हरामी बाइक लेके हमसे जीतने आए। स्लिप स्ट्रीमिंग करते थोड़ी सी आरसी को शायद से हम खींच ले जाए। नो 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 तो आप देख सकते हैं इतनी महंगी बाइक लेके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। ये देखो मिडिल फिंगर दिखा रहा है, रुक अभी रोड रेस करता हूँ तेरे से, रुक जा। सबसे महंगी बाइक है मेरे पास। रुकना मत कोई, थोड़ा सा लंबा और खींच जाओ। ओहो अरे भाई अगर और थोड़ी लंबी खींचती तो भाई शायद से आरसी को तो बीट कर देती है। भाई रिजल्ट्स आपने देखे आपके सामने सारे रिजल्ट्स, और काफ़ी फनी रहा है रिजल्ट, क्योंकि भाई बात करूं अगर मैं तो आरसी 125 जनरेशन 2 सबसे महंगी थी, उसके बाद आती है ये जनरेशन 1 की आरसी, फिर आती है R15, उसके बाद आती है भाई MT, फिर ये आती है पल्सर 150 जो कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेस से बात करें तो भाई परफॉर्मेंस ऑफकोर्स R15 और MT की निकली, क्योंकि दोनों में है सेम इंजन यानी कि 155 सीसी का R15 यमहा इंजन, तो भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी और ये दोनों तो निकल जाएंगे मज़े मज़े में। ये तीनों रह गई, बाकी अगर रिजल्ट
रिजल्ट्स की बात करें तो भाई वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है और सबसे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। सो होप डिट गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और रिजल्ट्स आपको पता चल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन क्योंकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, आईडी फ्लैश हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। एंड बाकी भाई कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर जिससे कि मेरे को पता चले आप लोग का रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। मिलेंगे बाकी इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, आईडी फ्लैश हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। एंड बाकी भाई कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर जिससे कि मेरे को पता चले आप लोग का रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफ ट्रैवल, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।